कक्षा तीन विषय गणित अभ्यास 3.3। पहले अपने 3.2 किया था, अब 3.3 है ये घटाओ। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक बस में 25 यात्री बैठे थे, इनमें से 25 यात्री उतर गए, बताइए अब बस में कितने यात्री रहे। एक बार प्रश्न दोबारा दोहराना चाहेंगे, एक बस में 25 यात्री बैठे थे, इनमें से 18 यात्री उतर गए, बताइए अब बस में कितने यात्री रहे। तो इसका हल ये है कि एक बस में यात्री बैठे थे बराबर 25, यात्री उतर गए 18। अब पहले तो बस में 25 यात्री बैठे थे, इसमें से 18 यात्री उतर गए, तो कितने यात्री शेष बचे, इसका करेंगे घटाओ। जब 25 में से 18 घटाएंगे तो 5 में से 8 में जाएंगे स्कूल हासिल, तो बनेंगे 15। 15 में से 8 गए 7, यहां पर बचे 1, 1 में से 0। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न, एक विद्यालय में 75 विद्यार्थी पढ़ते हैं, आज 26 विद्यार्थी नहीं आए, तो बताए आज कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं। तो एक विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं 75, जिसमें से विद्यालय में विद्यार्थी नहीं आए, विद्यालय में विद्यार्थी नहीं आए, कितने नहीं आए 26, तो कितने आज कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो 75 में से 26 नहीं आए, तो कहने को कितने यात्री आज उपस्थित है, इसका करेंगे घटाओ। तो घटाओ करने के लिए 5 में से 6 नहीं जाएंगे, तो 7 में से इसको आंसर देंगे 15, 15 में से 6 गए 9, यहां पे बचे 6, 6 में से 2 गए 4। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न, एक वस्तु का मूल्य 45 रुपए है, आपके पास 27 रुपए हैं, बताइए वस्तु खरीदने के लिए कितने रुपए और चाहिए। तो इसका हल इस प्रकार से है, एक वस्तु का मूल्य 45 रुपए है और आपके पास कितने रुपए हैं 27 रुपए, अब 27 रुपए में से कितने और रुपए मिलाने पड़ेंगे कि वो वस्तु खरीदी जा सके। तो जितने और मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, 45 में से 27 रुपए है, कितने रुपए आवश्यकता है, तो इसका करेंगे घटाओ। 45 से 27 घटाएंगे तो 5 में से 7 नहीं जाएंगे, देंगे हासिल 15, 15 में से 7 गए 8, हमें बचे 3, 3 में से 2 गया 1। एक बार पुनः दोहरान करते हुए प्रश्नों की ओर ध्यान देंगे, एक बस में 25 यात्री बैठे थे, इनमें से 18 यात्री उतर गए, बताइए अब कितने बस में कितने यात्री रहे। तो एक बस में यात्री बैठे थे बराबर 25, तो यात्री उतर गए कितने 18, 25 में से 18 घटा देंगे तो 5 में से 8 में जाएंगे, तो हासिल 15, 15 में से 8 गए 7, यहां पर बचे 1, 1 में से 0। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2, एक विद्यालय में 75 विद्यार्थी पढ़ते हैं, आज 26 विद्यार्थी नहीं आए हैं, 75 में से 26 विद्यार्थी क्या है अनुपस्थित है, बताइए आज कितने विद्यार्थी उपस्थित है। तो इसमें से हल करेंगे कि एक विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं 75, तो विद्यालय में विद्यार्थी नहीं आए कितने 26, और 75 में से 26 घटा देंगे वो क्या है उपस्थित की संख्या आ जाएगी, तो 75 में से 26 घटाएंगे तो 5 में से 6 नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे यहां से लेंगे 15, ये बन गया 15, 15 में से 6 गए 9, यहाँ पे बचे 6, तो 6 में से 2 गए 4। एक बार पुनः देख लेंगे, 75 में से 26 घटाएंगे तो 5 में से 6 नहीं जाएंगे, एक इसको आंसर देंगे बन गया 15, 15 में से 6 गए 9, फिर यहां बचे 6, 6 में से 2 गए 4। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3, एक वस्तु का मूल्य 45 रुपए है, आपके पास 27 रुपए है, बताइए वस्तु खरीदने के लिए कितने रुपए और चाहिए। तो एक वस्तु का मूल्य कितने है 45 रुपए, तो आपके पास कितने रुपए है 27 रुपए, तो 45 में से 27 को घटा देंगे तो कितने रुपए और मिलाने की आवश्यकता है, तो 5 में से 7 ले जाएंगे तो इसके लेंगे आंसर 15, ये बन गए कितने 4 रुपए, 5 में से इसको 4 है इसको आंसर देगा, 5 के 4 से आंसर देंगे तो बन गए 15, 15 में से 7 गए 8,
यहाँ पर बच्चा तीन, तीन में से हो गया एक। इस प्रकार से जटा के सवाल पूर्ण होते हैं और 3.2 भी आपको अपनी फेयर कॉपी में पूर्ण करनी है। धन्यवाद।